हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। वेलकम स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से है, तो आप लोगों को पता है कि प्रथम प्रश्न पद चल रहा है, तो इसमें अध्याय 11, ठीक है, यहाँ गलती से तेरा हो गया था, तो ये अध्याय 11 का प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एनसीईआरटी के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम आज बताएंगे, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है केवल उसी को हमने सेलेक्ट किया है और उसी को बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग फिजिक्स का टाइम टेबल जान जाइए, जो नए बच्चे हैं उनको बताना जरूरी है। तो टाइम टेबल क्या है, शाम को 7 से 8 के बीच में चलाया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा और इसको समझ लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है आप इसको मिला सकते हैं या फिर अपने बुक से मैच करा सकते हैं। ये जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, पहले इसको हम रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो क्या है, पहला है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, ठीक है। शिखर मान कितना है, 300 वोल्ट है। आरएमएस वोल्टता कितनी है, तो इसमें पहले वाले में कह रहा है, पहले क्वेश्चन में दो ठो पूछा गया, ए में खो बी में, तो पहले में कह रहा है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, ठीक है। आरएमएस वोल्टता कितनी है, मतलब क्या है आरएमएस को, किस क्या कहते हैं, वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, ठीक है, धारा का शिखर मान क्या होगा। देखिए एकदम उल्टा पूछा है, ठीक है, उल्टा का मतलब कि इसमें जो पूछा है, इसमें पूछा है आपका वर्ग माध्य मूल मान पूछा है और दिया क्या है, शिखर मान दिया है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, शिखर मान नहीं दिया है, शिखर मान पूछा है और वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। चलिए, तो अब हम बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को सिलेक्टेड जो है इनको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम पहले देखेंगे ए वाले सवाल को, ठीक। तो पहला सवाल हमारा ए है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। ए में क्या करेंगे, पहले बोल रहा है धारा का शिखर मान, तो पहले हमको ये बताइए कि धारा का शिखर मान को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो धारा के शिखर मान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वी जीरो से, ठीक। तो धारा का शिखर मान जो है वो वी जीरो बराबर कितना दिया हुआ है, 300 वोल्ट, देखिए यहाँ आपके सामने दिया गया है, तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया था शिखर मान, तो शिखर मान को दिखाते हैं वी जीरो से, ये वोल्टता का शिखर मान है तो वी जीरो, ठीक। आगे देखिए, अब आर एम एस कितनी होगी, तो आपसे पूछ रहा है आर एम एस मतलब किसका पूछ रहा है, वोल्टता का पूछ रहा है, तो वी आर एम एस पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, हम आपको फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद इस पे सवाल लगा देते हैं और आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, ठीक, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका फार्मूला है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसको नोट कर लें कि अगर आपको वी आर एम एस पूछ देता है शिखर मान देकर तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हम कैसे निकालते हैं इसके, अब तो वी आर एम एस हमको निकालना है, वी आर एम एस हो जाएगा, और वी जीरो का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए आप, यहाँ दिया है 300 वोल्ट, तो यहाँ हम रखेंगे 300 वोल्ट, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब नीचे है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, इतना हो गया। चलिए, तो इसके आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अच्छे से मैथ के स्टूडेंट हैं, चलिए हम आपके साथ भी लगे हुए हैं, आपको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक, तो अब क्या करेंगे, वी
आर एम एस इज इक्वल टू 300 हो गया, और नीचे क्या है आपका अंडर रूट 2। तो हम अंडर रूट 2 को क्या करेंगे, अब रिप्लेस करेंगे मतलब हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, इनको हटाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, कड़ी में 2 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, आपको मैथ में मिला होगा, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे मिला होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से कर्ली में 2, कर्ली में 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। इतना समझ में आया, और क्या है इनटू कर्ली में 2, ये हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, कर्ली में 2, कर्ली में 2 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है, कर्ली से बाहर आता है संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम काट देंगे, 2 के 2 2 15 30 150 बार में कट जाएगा, ठीक है, आपको काटने तो आता है। चलिए तो आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब आगे आपका VRMS, VRMS इक्वल टू कितना आ गया, 150 इंटू, अब करड़ी में 2 का मान कितना होता है, करड़ी में 2 का मान आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो यहां से नोट कर लीजिए, करड़ी में 2 का मान क्या होता है, 1.41 ये होता है करड़ी में 2 का मान, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 21, ठीक है, 21.50 ऐसा मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो इतना आंसर आपका आ जाएगा, तो ये आंसर क्या है इसका, इसका आंसर राइट है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, बोल्टता का शिखर वर्गमाध्य मूलमान है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा बोल्ट। समझ में आ गया। चलिए तो आपको ये पहला जो सवाल था, ये जो पहला ए में था, ए वाला हमने आपको इधर बता दिया, और ए को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं ये बी वाले सवाल को, ठीक, अब ये वाला तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इधर से हम पार्टीशन डाल देते हैं, और इधर हम क्या करेंगे, आपको इधर बता देंगे बी वाला सवाल। अब हम क्यों बता रहे हैं इसके साइड में, क्योंकि इस पे बता देंगे तो आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये दोनों पास में ही रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर बी वाला सवाल हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी वाला ये, तो इसमें बी में क्या कह रहा है, एसी परिपथ में, ठीक है, धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले देखते हैं हमको क्या दिया है, उसको लिख लेते हैं। तो धारा का शिखर मान पूछ रहा है, मतलब धारा का शिखर मान किससे दिखाते हैं, आई जीरो से, आई जीरो मतलब धारा का शिखर मान, तो ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और क्या दिया है, धारा का आरएमएस, आरएमएस मतलब वर्ग माध्य मूल मान दिया है, तो क्या हो जाएगा, धारा का है तो आई आर एम एस, ये कितना है, 10 एम्पियर, क्लियर इतना। चलिए इतना क्लियर है तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, आई आर एम एस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो ये क्या हो गया, ये इसका होता है फार्मूला, इसको भी नोट कर लीजिए। हम आपको सवाल तो बताएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ ये भी चीज बताएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तब तो आपको समझ में आएगा कि जो फार्मूला लिखवाया गया है, जो बताया गया है, जो आपको आता है, उसका यूज हो कहां रहा है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है इस प्रकार, और इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कैसे होगा। अब देखिए हमारा पूछ दिया है क्या, ये पूछा है, ये मान दिया है, अब कैसे करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और हम इधर उधर करके आपको आंसर निकालेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे ये समझिएगा, आपको हम एकदम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, आपको कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये इतना हो गया, अब क्या करेंगे, अब आपका मान दिया है आई आर एम एस का मान कितना दिया है 10, सॉरी कितना दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए ये हो गया, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, हमको ये निकालना है, आई जीरो निकालना है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले में करेंगे, तो आपका आएगा आई जीरो इज इक्वल टू आई आर एम एस इन टू रूट 2, इतना आएगा कि नहीं। चलिए कितने बच्चों का इतना आ सकता है, चलिए जिसका आ गया, अब इसके आगे देखिए क्या होगा, अब आएगा आई जीरो, ध्यान से देखिएगा,
इज इक्वल टू IRMS का मान कितना है 10 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 10। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? चलिए जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक और कमेंट करता रहे, ठीक है, और उसको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो देखिए इनटू रूट टू, अब रूट टू का मान कितना होता है, अभी हमने आपको पिछले जैसे सवाल में बताया था, तो क्या होता है 1.41, ये होता है आपका वैल्यू किस रूट टू का, इसका मान होता है ये, जान जाइए नहीं जानते हैं तो, ठीक है। अगर देखिए आपको बोर्ड में ऐसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो आपको करड़ी में 2 का मान याद होना चाहिए, और वैसे याद नहीं होता है तो उसमें दिया रहता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब क्या करेंगे हम I0 इज इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये जो दशमलव है एक अंक कहाँ चला जाएगा, एक अंक यहाँ चला जाएगा, कैसे हो जाएगा 14.1, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्या था धारा का, क्या था शिखर मान था, तो क्या हो जाएगा इसका धारा का शिखर मान नहीं था, धारा का वर्ग माध्यमूल था, तो क्या हो जाएगा एम्पियर कह सकते हैं इसको, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हम अच्छे से बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है, उसको लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए जितने बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताते रहे, ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट हमारा एक बार है कि वो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करे, हम गारंटी देते हैं कि उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको 12 में पढ़ना है तो आपको समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है, 12 में पढ़ रहे हैं, अब आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे तब तो और बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब आपको घोर के पिलाया तो जा नहीं सकता, कोशिश पूरी है समझाने की हमारी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, अब इनको क्या करना है, लगाना है आपको, तो कैसे लगेगा समझ में आ रहा है। चलिए देखिए हम आपको एक अलग तरीके से बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त सवाल बता रहे हैं हम आपको, जितने भी बता रहे हैं सब बेस NCERT पे है, ठीक है। चलिए सब NCERT क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने बुक से मिला सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके बुक से ही है। चलिए देखते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.44 mAh का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के IRMS के मान को ज्ञात करो या फिर ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया कि ये जो सवाल कह रहा है, ठीक है, जो सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए पहले, ये क्या कह रहा है EMH का प्रेरित, प्रेरित आ गया तो क्या दे दिया आपका L दिया है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, आपका L मतलब स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक को कैसे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं, तो इसको दे देते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, तो क्या है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक को किससे दिखाते हैं हम, L से दिखाते हैं, तो L की वैल्यू कितनी दी हुई है ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है, सॉरी L की वैल्यू नहीं है, ये आपका है ये एक L का मान है, तो इसको L से दिखाते हैं, तो आपको दिया क्या है ये 44 दिया हुआ है, तो ये हो गया 44 mAh, इतना क्लियर है आपको। चलिए बस आप एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये दिया है 44 MHz, तो इसको मेगा हर्ट्ज है, तो क्या करेंगे अब हम इसको चेंज करेंगे हर्ट्ज में, ठीक ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम 1000 का गुणा करा देंगे, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 44 × 10⁻³, इसमें 1000 का भाग कर दिए हम, तो आ गया आपका ये क्या हो गया पूरा हेनरी होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे आपका देखिए, अब एक चीज नोट कीजिएगा कि आपका क्या दिया है प्रेरित 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट, ये क्या है, ये आपका VRMS मतलब वर्ग माध्यमूल मान दिया हुआ है, पकड़िए थोड़ा सा, ठीक है VRMS दिया है, कितना VRMS क्या दिया है 220 वोल्ट, इतना क्लियर है। एक चीज और देखिए क्या कर रहा है, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, 50 हर्ट्ज क्या है वो 50 हर्ट्ज है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, तो ये हो गया आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं,
अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हो जाएगा आपका, आपको ज्ञात क्या करना, धारा का IRMS के मान को ज्ञात कीजिए। इतना क्लियर है? तो एक चीज ध्यान देखिएगा, पहले आपको जो चीज कह रहा है, ठीक है, तो आप एक चीज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले इसमें हम आपको निकालना दिखाएंगे एक्सएल, एक्स एल निकालेंगे। एक्सएल को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, ठीक। प्रेरण प्रेरण प्रतिघात का मान किसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं एक्सएल से, एक्सएल से दिखाते हैं, ठीक है। यल होता है प्रेरण, एक्सी एक्सी लगा एक्सएल लगाया तो प्रेरण प्रति घात। इतना क्लियर है ना? देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ एल, ये होता है फार्मूला। फटाक से नोट करिए इसको और हम इस पे इसी सवाल को लगाएंगे। आपको निकालना क्या, आपने देख लिया है ध्यान से, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है, इधर देखिए, इधर ने लिखा नहीं है तो इधर देखिए क्या निकालना है आपको, आपको ज्ञात करना है क्या, IRMS का मान, IRMS निकालना है। इतना क्लियर है आपको, यही फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, कितनी प्रोसेस को हमको करना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये होता है फार्मूला, आपको समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा आपका XL, ठीक है, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू टू पाई हो गया। F की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, F का वैल्यू है 50, ठीक, तो यहां हो जाएगा गुड़े 50। अब L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है, ध्यान से देखिए ऊपर देखिए, L की वैल्यू आपको ये यहां से मिलेगी, L की वैल्यू क्या है, 44 गुड़े 10 घाते माइनस 3, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा गुड़े 44, ठीक, गुड़े 10 के घाते माइनस 3, इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक चीज आप फार्मूला जानते हैं, एक और फार्मूला जानते हैं, इतना तो समझ में आ गया इस फार्मूले पे, ये हो गया। एक चीज और फार्मूला होता है, IRMS निकालना है आपको, ये निकालना है ना, इसका फार्मूला एक और होता है, होता है IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन XL। फटाक से नोट करिए, ये होता है फार्मूला एक, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम इस सवाल को पूरा पूरा हल करके दिखाने वाले हैं आपको। तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है IRMS, आपको VRMS का मान पता है, VRMS का मान कितना दिया है, ऊपर देखिए VRMS का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक, और XL की मान, XL की वैल्यू भी दी है आपको, XL की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए निकालते हैं, IRMS हो जाएगा इज इक्वल टू VRMS का मान हो जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हो गया इतना, ठीक है। चलिए अब हो गया ये 220 वोल्ट को भी लिखते हैं, मात्रक से मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब पूछ रहा है एक्सएल, इसकी मान, इसका मान क्या है, यहां से रखेंगे, ये पूरी वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है, एक्सएल की, तो हो जाएगा 2 पाई, ठीक, 2 पाई इंटू 50 गुड़े 44 गुड़े 10 के घाते माइनस 3, इतना हो गया। चलिए अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा चीज मिलने वाला है, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम 0 से 0 उड़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कट गया। अब एक चीज और देखिएगा, अब यहां से देखिए आ गया 22, ऊपर 22 आ गया, नीचे आ गया क्या, 2 है, और ये पाई का मान कितना होता है आपको पता है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7, इस समझ में आ रहा है ना। अब देखिए गुड़े, ये जो 50 था तो एक को जीरो कर दिया, 5 बच गया, ठीक है, गुड़े 44 गुड़े 10 के घाते माइनस 3, इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इस 22 से इस 22 को उड़ा देंगे, उड़ाने के बाद क्या होगा, ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, कैसे आ जाएगा, इसके बाद की स्टेप आएगा 7, ठीक है, अपॉन, इतना समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं आप डाउट गलती करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए तो हो जाएगा 2 × 5 × 44 × 10^-3, ये मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, मिलेगा ना। चलिए अब देखिए 5 × 10 तो क्या हो जाएगा, 7/5 × 10 हो जाएगा, ठीक, गुड़े 44
ये हो गया। अब ये चीज जो है ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ये 10 की घात है माइनस 3 नीचे है, तो ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा 10 गुड़े 10 की घात है माइनस 3 था, तो अब हो जाएगा प्लस 3। इतना समझ में आया, आया ना? चलिए आपको समझ में आ रहा है हमको लग रहा है, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, पेन भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आ गया इतना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो 7 दिखा रही दे रहा है आपको, 7 है ठीक, गुड़े ये जो 10 की घात 3 है, इसको 1000 लिख सकते हैं हम, इतना लिख सकते हैं, हो गया ना, लिख सकते हैं। अब बटे 10 है, ठीक, समझ में आ रहा है ना, 10 है, ध्यान दीजिएगा। अब 10 का गुणा हम अगर 44 में कर दे तो आपको क्या मिलेगा, 440 मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब क्या होगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो इसको हम इससे उड़ा देंगे, ठीक। अब क्या आएगा आपका, 700 का गुणा 7 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700 बटे 44 आएगा, इतना आ गया। अब क्या होगा, अब इसको हम भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, 2 दुना 4 2 दुना 4, ये कट गया, और ये कैसे कटेगा, कितना आएगा ऊपर, ऊपर आएगा 2 35 70 आ जाएगा, 35 बार 70 कट जाएगा, 0 बचा 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35 0 हो गया बटे 22, इतना इतना वैल्यू आ गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 से फिर काटेंगे, मतलब एक डंडा फिर मारेंगे इनको, कैसे, चलिए 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 2 1 कम 2, 1 बचा इधर गया 15 हो गया, 2 7 14 हो गया, 1 बचा इधर गया 2 5 10, तो आपका क्या आ गया, 175 बटे 11, ये आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब 11 का हम भाग देंगे 175 में, तो आपको रिजल्ट आएगा क्या, आपको मिलेगा 15.91, ये जो होगा आपका आंसर होगा, ये आ गया आपका मान किसका, आई आर एम एस की वैल्यू आ गई, जो क्या हो गई, 15 इतना आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आई आर एम एस था तो धारा का था, तो एम्पियर हो जाएगा, समझ में आया। तो ये सवाल हमने आपको 2 सवाल एकदम बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया, अगर आपको ये सवाल दोनों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे एक वीडियो और न्यूमेरिकल पर बनाकर दे सकें, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज आपका कमेंट जरूर हम देखेंगे, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियो चाहिए तो। उसके आगे तो हम स्टार्ट करेंगे आपको चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा अगर चाहिए तो, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।